जीवन भर खेती कैसे बढ़ेगी, कैसे बेहतर उपज वो पैदा कर सकता है, उसे वहां लड़ना पड़ता है, सरकार से लड़ना पड़ता है, अधिकारी तंग करते हैं, दूसरी ताकतें आ जाती हैं, उनसे लड़ना पड़ता है। बहुत अच्छी फसल करने के बाद भी चैन की नींद कोई किसान सो नहीं सकता, क्योंकि जब मंडी में वो जाएगा वहां भी जो है उसके साथ दुराचार होता है। कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती है, जैसा अभी कुछ दिन पहले जो बारिश हुई। मैं जानता हूं 30-50% इन क्षेत्रों में आपका धान खराब हुआ, बाजरे को नुकसान, लाया को नुकसान हुआ, आलू की बुआई चल रही थी जहां बुआई हो गई थी वहां भी उनको नुकसान हुआ। और अफसोस इस बात को लेके होता है कि इस सब के बाद भी इन दिनों में आप ही से मैं सवाल पूछूंगा, क्या कोई सरकार की तरफ से कोई कर्मचारी, कोई बीमा कंपनी, आपने बहुत सुना प्रधानमंत्री जी कहते थे प्रत्येक किसान को हमने बीमा दे दिया और इस बीमा के माध्यम से आय दुगनी होगी, कोई आया क्या सर्वेक्षण करने? कौन जिम्मेदार? बुंदेलखंड के बेहद गरीब परिवार के साथ जो बीती है, ललितपुर जिले के जो 3 दिन में खाद के लिए खड़े रहे, तबियत बिगड़ गई, देहांत हो गया, कौन पूछने वाला? ललितपुर जिले के एक और किसान ने जो मीडिया में खबर आई, मैं उस आधार पे कह रहा हूं, साफ साफ छपा है, उनके घर वालों ने साफ साफ कहा कि परेशान था किसान, इन्हें खाद नहीं मिला, इन्होंने आत्महत्या कर दी। कौन जिम्मेदार है? जब कोई अच्छा काम आप लोग करते हो तो उसका श्रेय नेता लेना चाहते हैं। योगी जी से जब पूछा जाता है कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा तो कहते हैं हमने तो रिकॉर्ड खरीदारी हो गई, रिकॉर्ड पैदावार की है गन्ने की। गन्ने की पैदावार योगी जी ने ना करी, ये तो कैसे कैसे करके आपने बचाव करना पड़ता है, हर खेत में तार लगाने पड़ते हैं आजकल, जंगली सुअर, जंगली जानवर, विधायकों का भी यही हाल हो गया, इनके बिजार जैसे घूम रहे हैं, खाली कोई काम नहीं है। लेकिन जब किसान आत्महत्या करता है तो कोई आगे आके नहीं कहता कि हाँ हमारी जिम्मेदारी। और इतना बड़ा फर्क देखो, पुराने लोग जो बैठे हैं यहाँ टोपी और पगड़ी पहनने वाले, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ आपको, चौधरी चरण सिंह जी ने जो भाषण दिया था लाल किले से, अभी भी याद होगा, मिठाई बांटी होंगी आपने, खूब खुशी मनाई होगी, क्यों? तो आपको मालूम था कि गांव के परिपेक्ष से इस गांव की बात, भाषा, बोली, पीड़ाओं को समझने वाला व्यक्ति उस बड़े पद पे पहुंचा। और लाल किले से चौधरी साहब ने कहा कि मेरी सरकार है और मैं चिंतित हूं कि जो देश के आदिवासी लोग हैं, जो दलित वर्ग है, हम उनके उत्थान के लिए हमें काम करना है। यानी प्रधानमंत्री होते हुए वो कह रहे थे, मान रहे थे, स्वीकार रहे थे कि सरकार की बहुत कमियां हैं, व्यवस्थाओं में बहुत कमियां हैं। और आज जो प्रधानमंत्री हैं खुद अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, 70 साल गाते हैं, नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा जमीन, दावे होते हैं। अगर आप यहाँ जेवर से निकल के जाएंगे बेंगलोर तक, कोई नौजवान जाएगा बेंगलोर एयरपोर्ट पे भी होर्डिंग लग रहा है योगी जी का, यूपी नंबर वन है। वहां के वकील है शिशिर रुद्रप्पा, उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक से यूपी के चुनाव की आगाज हो रही है क्या,
तो यूपी के अधिकारियों ने उनको घेरना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे कि तुम्हारी गिरफ्तारी होगी और तुमने फर्जी जो है तस्वीर डाल दी। फिर उस लड़के ने, उस नौजवान ने वीडियो खींच के डाल दी। अब आप सोचिए किस पैसे से ये सब हो रहा है, कहां से ये सब हो रहा है? ये आप ही का तो पैसा सरकारी खजाने से है। बीजेपी पार्टी अपने खजाने से खर्च करके होर्डिंग लगा देती, हमें आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये तो सरकारी पैसे से ये सब चीजें खरीदी जा रही है, दिखावा हो रहा है, प्रचार हो रहा है। और बाबा कहते हैं यूपी में यूपी हो गया नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन है, महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक नहीं रहे, किडनैपिंग हो, मर्डर हो, संगठित अपराध भी नहीं रुक रहा, इन चीजों में हम नंबर वन। किसान के साथ आपने क्या किया? लखीमपुर में वो जो अन्नदाता बैठे थे उनके साथ क्या किया? अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते, अभी भी मंत्रिमंडल से मंत्री जी को हटाया नहीं गया। याद करो चौधरी चरण सिंह जी, चुनावी प्रचार में अगर उनको पता लग जाता कि ये मेरे पार्टी का आदमी, मेरे पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन कुछ गलती हो गई तो वो गलती स्वीकार कर लेते। कितनी बार मैंने किससे, आप लोगों ने मुझे सुनाए हैं कि चुनावी सभा में कोई अपने पार्टी का नुकसान नहीं चाहता, सब लोग सोचते हैं मेरी संख्या बढ़ जाए। आज अगर कहीं इस प्रदेश के किसी कोने में अगर म्युनिसिपल चुनाव में एक कॉर्पोरेटर बीजेपी जीत जाती है, मोदी जी ट्वीट करके बधाई देते हैं कि वाह हमारा कॉर्पोरेटर जीत गया। लेकिन लखनऊ भी जाते हैं, लखीमपुर में जो किसान मारा गया उस पर टिप्पणी नहीं, मंत्री जी को बर्खास्त करने की हिम्मत मोदी जी में नहीं है, हिम्मत योगी जी में नहीं है, जो कहे कैसे मंत्री मंडल पे लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, इनको आप हटा दीजिए। लेकिन बाबा में हिम्मत है तो घूरेंगे आपको, लाल आंख आपकी तरफ दिखाएंगे, धमकाएंगे आपको। वहां जो लग रही तस्वीर उनकी बेंगलोर में, वो मुस्कुराते हुए लग रही है। हमने आपने कभी योगी जी को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, कभी देखा आपने उनको मुस्कुराते हुए? जब वो मुस्कुराते हैं, जब वो बछड़ों के साथ खड़े होते हैं तब मुस्कुराते हैं। जवाबदेही इनकी है, जवाब हिसाब आपको लेना होगा। अगर मैं आज आपके बीच आशीर्वाद लेने आया हूं, इसलिए आशीर्वाद लेने नहीं आया कि मेरी तरक्की हो जाए या मुझे कुछ आपसे चाहिए व्यक्तिगत अपने लिए। मैं तो सिस्टम के अंदर भी रह चुका हूं, एमपी रह लिया आपके पड़ोस से, बहुत चीज मैंने करीब से देख ली, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये मंच जिंदा रहे। आज आपकी कोई वक्त राजनीतिक पहचान नहीं है, आपको कड़वी लगेगी बात, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपके वकील होते तो दिल्ली में घुसने से इस तरह से किसानों को रोका नहीं जाता, पहली बार हुआ है किसान घुस नहीं सकता, बैरिकेड लगा दिए, तार बिछा दी, घुसोगे तो मुकदमे होंगे। और अगर वहां चौधरी अजीत सिंह जी आज हमारे बीच होते और संसद में होते तो इतना लंबा एक साल का आंदोलन किसान को करना नहीं पड़ता। मजाल है, ऐसी सरकार पर लानत है, ऐसे जनप्रतिनिधि अब फिर चुनाव आएगा फिर अपने बनेंगे, एक भी दिन आपकी मदद के लिए हाथ बटाया नहीं। मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे कहना चाहूंगा, यहाँ बहुत बड़ा वादा आपके साथ किया गया था, बहुत बड़ा वादा आपके साथ किया गया था कि यहाँ विकास होगा, एयरपोर्ट बनेगा। सही बात है, एयरपोर्ट बनने से तरक्की होती, नौकरी भी मिलेंगी, आवागमन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जमीन के जो मालिक हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, न्याय। इतना बड़ा आंदोलन चला टप्पल में, मथुरा में, भट्टा पारसोल में, आप लोगों ने ही तो कुर्बानियां दी थी, वरना ये कानून बदल जाता। और कानून में आपने बना लिया, जीत हासिल की, जीत दर्ज की, देश भर
और के लोगों को एहसास हुआ कि इस क्षेत्र का किसान वाकई अपने हक और हकूक के लिए सचेत है, जागरूक। कानून में लिखा है गांव की अगर खेती की जमीन सरकार अक्वायर करेगी 4 गुना दिया जाएगा। लेकिन ये जो एयरपोर्ट के परियोजना में मुझे जानकारी है, यहाँ अगर गांव उन गांवों के लोग होंगे बता देंगे आपको, एक बार नहीं 2 बार उनको छला गया। पहले तो गांव के इंटीरियर के गांव हैं, वहां कोई सरकारी एसएच कोई अर्बन कोई सुविधा शहरों की नहीं है, लेकिन जब जमीन अक्वायर करनी थी तो दिखा दिया गया कि ये तो अर्बन जमीन है, अर्बन लिमिट में है, शहरी जमीन है। क्यों? क्यों 4 गुना के जगह 2 गुना देंगे? और उसमें फिर क्या किया, खेत को तो बता दिया कुछ और आबादी को दिखा दिया कि ये तो गांव की आबादी। वरना विस्थापन में अगर अर्बन उसको दिखाते तो जगह में जो प्लॉट मिलते वो ज्यादा देना पड़ता। देखो कितनी कंजूसी है आपके लिए, पैसा बचाया खूब, लेकिन इसमें कोई बढ़ाई नहीं होगी। योगी जी पैसा बचा के खर्च का कर रहे हैं, अपनी होर्डिंग लगवा रहे हैं। वो पैसा बचा के अगर किसी और क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल जाता तो शायद यहाँ का भी कोई किसान किसी को गुरेज नहीं होता। अगर आपने जमीन ना दी होती तो ये कहां नोएडा ग्रेटर नोएडा कहां बसता। किसान जमीन देते हैं विकास के लिए उन्हें, लेकिन बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, सपने दिखाए जाते हैं, वास्तव में होता नहीं। देश की राजधानी, अगर किसी भाई को शक हो, देश की राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली देहात के जो पुराने गांव हैं, कभी वहां जाके देख लेना, गांव में उस तरह का विकास नहीं हुआ। सीमित क्षेत्र उनका बना दिया आबादी का, तंग इलाके में रह रहे हैं। और जो भूस्वामी है, इतनी बड़ी तरक्की हो गई, इतना बड़ा शहर बन गया, विकास हो गया, लेकिन जो भूस्वामी जो ओरिजिनल भूस्वामी थे उनकी क्या स्थिति। इसलिए जरूरी है कि जो भूस्वामी है उनका भविष्य सिक्योर होना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं प्रभावित उन सभी परिवारों को विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार बनेगी तो जिन्होंने जमीन दी है पूर्णता उनके साथ कानून के तहत न्याय हो।